दोस्तों, गए साल G5 पर मनोज सर की सिर्फ एक बंदा काफी आई थी जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी और ऑडियंस ने इस मूवी को भर भर के प्यार दिया था, जिस वजह से इसे बाद में थिएटर में भी रिलीज किया गया। इस मूवी में मनोज सर एक वकील के किरदार में थे जो शांत और कॉमेडी स्वभाव के थे, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत कमाल की थी। इस मूवी के अब ठीक एक साल बाद सिर्फ एक बंदा काफी के मेकर्स फिर से मनोज सर के साथ एक मूवी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है भैया जी, और इसका एक टीजर भी आ गया है। तो कैसा है टीजर, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, इस टीजर की लेंथ 2 मिनट 13 सेकंड की है, जो एक ट्रेलर के बराबर है। इस टीजर की शुरुआत में हमें 2014 के सीतामंडी को दिखाया गया है जो बिहार में है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और हर कोई एक दूसरे से बोल रहा है कि तू मार, नहीं नहीं तू मार। जब एक आदमी मारने जाता है तब हमें मूवी के भैया जी जख्मी हालत में दिखते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद कुछ स्लो मोशन सीन्स के साथ हमें मनोज सर का एटीट्यूड और स्वैग दिखाया जाता है, जिसे देख के मुझे गैंग ऑफ वासेपुर और सत्या मूवी की याद आ गई। दोस्तों, इस मूवी से मनोज सर अपनी सेंचुरी कंप्लीट करेंगे, यानी कि यह मूवी इनकी 100वीं मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अपूर्व सिंह करके, जिन्होंने सिर्फ एक बंदा काफी डायरेक्ट की थी, लेकिन इस मूवी का कैरेक्टर बंदा मूवी से बिल्कुल डिफरेंट है। और मनोज सर एज गैंगस्टर बहुत कमाल के लगते हैं और हमने उन्हें बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा है। ये मूवी 24 मई को रिलीज होगी और टीजर में हमें सिर्फ भैया जी के स्वैग के अलावा कुछ नहीं दिखाया गया है, जिससे अब इसके टीजर का इंतजार रहेगा कि मूवी कैसी होगी। लेकिन इस टीजर में भैया जी का एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है कि अब निवेदन नहीं नरसंहार होगा, यानी मूवी बहुत खून खराबे से भरी होने वाली है। तो आपने भैया जी का टीजर देखा है तो आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।